अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज 30वां उम्रा है मेरा और उम्रे की नीयत से मैं आया हूँ। मुझे आयशा ही आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, तो ये मस्जिद आयशा में भी नीयत की है। और यहाँ पे ट्योटे चलते हैं जो आप पैसे दे के शेयरिंग में चलते हैं, जैसे ये पीछे खड़ा ही है इस ट्योटे में मैं हूँ। अभी मेरी जो बाकी लोग हैं मेरे साथ के वो नहीं है इसमें, तो ये 10-10 रियाल लेते हैं। ये भी मक्का से आपको यहाँ पे ले आते हैं। जिन्हों जैसे मैं अकेला था तो टैक्सी नहीं करना चाहते लोग, तो वो इस शेयरिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी मैंने भी नियत कर ली है, तो चलें आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। आज उम्रे की सादत भी, तीसरे उम्रे की सादत भी अल्लाह पाक नसीब करे और सानिया पैदा करे। ये एक होटल बना हुआ है, उन्होंने उल्टा करके होटल लिखा है, तो बड़ा अजीब सा इस बिल्डिंग का लग रहा था। और ये देखें कबूतर, माशाल्लाह कितने खूबसूरत कबूतर हैं। और इनके बीच में जब चलें तो ये उड़ के आते हैं, लगता है कि इंसान से टकरा जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक चौक है कोई या कोई ऐसी शाहरा है जहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर टाइम पर यहाँ पर कबूतर होते हैं। लोग इनको दाना डालते हैं इन कबूतरों को। और ये देखें, ये मैं चल रहा हूँ, साथ साथ ये आगे पीछे राइट लेफ़्ट हो रहे हैं, भाग रहे हैं ये। और ये कबूतर देखकर मुझे बड़े खूबसूरत लगे, और मैंने कहा कि मैं इनके एक वीडियो क्लिप बना लूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये। सऊदी अरेबिया में आपको जगह जगह कबूतर नज़र आएंगे, और हर जगह पर कबूतर इसी तरह खिलखिलाते नज़र आएँगे। और ये देखें कि ये कबूतर तादाद में कितने ज़्यादा हैं, और वो देखें जैसे हजूम पूरा एक इनका कबूतरों का। ये मस्जिद आयशा में आ गया हूँ और एहराम की हालत में हूँ, तो उम्रे की नियत करते हैं यहाँ से। और आए मैं आपको अंदर से भी मस्जिद आयशा दिखाऊँ। ये मस्जिद आयशा से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की जाने जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी खड़ी कहाँ पर है, और वो सामने नज़र आई। और फिर मैं गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी में जाकर मैं बैठने लगा हूँ, तो ये गाड़ी पे मैं चढ़ रहा हूँ। और गाड़ी वाले वहाँ पे गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, बंदा डर जाता है कि इतनी स्पीड में कार और कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन वो लोग आती है। ये देखें ये ट्रेन है, फास्ट ट्रेन जो मदीना से मक्का आती है, इस टाइम पे ये अपने स्टेशन पे रुकने लगी है, तो स्लो चल रही है। तो ये फिर हम लोग अपनी गाड़ी में आ कर बैठ गए, और फिर ये गाड़ी तेज़ी से चल रही है। ये आपको घास नज़र आ रही है जब भी जल गई है, तो ये यहाँ पर इन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये घास बहुत ज़्यादा उगी हुई है, और बड़ी बड़ी घास कहते हैं ग्रीन थी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ी सी गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से घास जो है ना कि ये जल के एक रंग उसने अपना बना लिया। और तो बाकी मदीना की मक्का में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, मदीना में भी इस दफ़ा बहुत खूबसूरत। ये सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ आपको मक्का में देखने को मिलते हैं, और
एक अपने आप में ही खूबसूरती है इनकी। फिर हम लोग पहुंच गए हैं काबा और इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये सामने ही हमारा होटल है ये, और इसके सामने ये हरम है। तो अभी उम्रे की शहादत के लिए अंदर जा रहे हैं। असर की नमाज का भी टाइम होने लगा है, लेकिन उससे पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं अंदर इंटर हो जाऊं ताकि तवाफ़ कर लूं। तो असल में इन्होंने गेट बंद किए हैं, कभी एक गेट से आपको इंटर होने देते हैं, कभी वो गेट बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं दूसरे गेट से इंटर हो। लेकिन हमारे होटल के सामने ये गेट नंबर 79 था, यहाँ से इंटर होते हैं। तो मैंने देख लिया था कि किस गेट से इंटर होते हैं, तो फिर उसी स्पेसिफिक गेट से ही अंदर इंटर होते थे। अदायगी के लिए मैं आ गया हूँ हरम शरीफ में, और अभी उमरा अदा करूँगा। क्या आपको मेरे पीछे उसकी दुआएं नज़र आ रही होंगी। अभी असर की नमाज अजान हुई है, तो असर की नमाज़ पढ़ी है मैंने, और उसके बाद अभी मैं घर वालों को ले के साथ में फिर उमरा अदा करूँगा इंशाल्लाह ताला। आज सर भी मुंडवाना है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मैंने अदा कर लिया, और अब मैं उसका जो आखिरी अमल है वो कर रहा हूँ सर को मुंडवाने का। तो फिर मैंने कहा मैं वीडियो क्लिप एक बना लूँ छोटा सा, चलें इसमें। तो ये देखें, उस बहुत जल्दी ये करते हैं, इनको ट्रिक होती है ये, इनके पास टाइम होता है, ये विद इन 3 मिनट 4 मिनट आपका सारा सर जो है ना वो गंजा कर देता है। और फिर मैंने ऊँट के जैसे स्वाब हासिल किया, क्योंकि सर मुंडवाने का स्वाब ऊँट जबा करने के पूरे बराबर। जो मक्का में क्लॉक टावर है उसके बेसमेंट में ये सब दुकानें हैं, वहाँ से मैंने अपना सर मंडवाया। और ये जो यहाँ पे आकर अल्लाह का घर है, तो एक दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। लेकिन ये जो लोग अरबी हैं, ये बहुत घटिया लोग हैं और अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इनके जो गार्ड हैं, ये जो इन्होंने खड़े किए हैं, ये धक्के देते हैं लोगों को, बदतमीज़ी करते हैं। नमाज़ पढ़े हों तो तब धक्के देते हैं, और अगर रश है तो उसको डाइवर्ट करते हैं। तो आप एटलीस्ट किसी को बताएं तो सही, आप जदीद दौर है, आप साइन बोर्ड लगाएं, स्क्रीन लगाएं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, एटलीस्ट वो तो पढ़ सकते हैं। आप उनको वो कोई बात पूछते हैं, आपको इंग्लिश आती नहीं, आप आगे की तरफ चलाते हैं, या तो आप उनकी ज़ुबान सीख लें। तंग करने की ये एक वो है, इन्होंने बनाया हुआ है ज़रिया। और ये अपने आप को दुबई से मैच करना चाह रहे हैं 2030 में, और वहाँ पे गोरे भी अब मक्का और मदीना में आ रहे हैं और एज ए विजिटर। तो ये चीज़ें कुछ बुरी हैं यहाँ पे ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। फॉरेनर्स अलाउ नहीं होने चाहिए यहाँ पे, या गैर मुस्लिम अलाउ नहीं होने चाहिए। लेकिन ये इनकी आदत और ये चीज़ें इनकी, ये बहुत घटियापन है। लाल चली रजा के लिए मैंने अपने सिर को मंडवाया, तो इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आज मैंने अपना उम्रा किया कंप्लीट, और अपने सर के बाल मंडवाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।